हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी कि वो होती क्या है। तो आपने पढ़ा ही होगा, एज यू ऑल नो, स्केलर क्वांटिटी मींस द क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर मींस व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो बात तो कर दी थी क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज तो इसके डिटेल में जानने से पहले थोड़े क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जानना चाहूंगा कि आपका बेसिक कैसा है। तो लेट्स से नंबर टू इज अ स्केलर और वैक्टर। कोई बोलेगा सर स्केलर है बिकॉज इट इज ओनली वैल्यू। सर स्केलर ही है, कंफर्म स्केलर ही है। सो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड इफ नाउ कोई आपसे पूछे कि नाउ टेल मी दिस टू इज अ स्केलर और वेक्टर। सोचा जाए तो सर जीरो के राइट हैंड साइड में है, सो डायरेक्शन भी है, वैल्यू भी है, तो नंबर टू नाउ इट इज अ वेक्टर। ये तो सर कंफ्यूजन हो गया। सो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ये मैं आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूं कि विच आर स्केलर क्वांटिटी एंड विच आर वेक्टर क्वांटिटी। सो चलो वापस आ जाते हैं। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? लेट्स से भुवन बाम की हाइट, height of Bhuvan Bam, so yes it is physical quantity, you can measure कितना लंबा है, measure कर सकते हैं। weight ले लेते हैं अब किस candidate का नाम ले, Amit बढ़ाना, you can measure। so जो quantity को आप measure कर सकते हो, जिस quantity को आप measure कर सकते हो वो सारी quantity किस category में आएगी, फिजिकल क्वांटिटीज। तो सर कौन सी क्वांटिटी है जो मेजर नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस हो गया कैसे मेजर करोगे, लव हो गया वो कैसे मेजर करोगे, दिस आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। सो इसमें हम वैरायटीज नहीं डालेंगे कि स्केलर वेक्टर, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, इट इज वन टाइप ऑफ फीलिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन द डेफिनेशन। सो what is scalar quantity? So those quantity which are having only magnitude is known as scalar quantity. And what is vector quantity? So those quantity which have both magnitude and direction is known as vector quantity. ओके, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। सो स्केलर इज 1D कॉन्सेप्ट, ध्यान दीजिएगा, स्केलर इज 1D वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एंड वेक्टर इज मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल मीन्स क्या होता है कि इट मे बी 2D, इट मे बी 3D। ओके, कोई पूछेगा सर 4D आता है क्या? नहीं, 4D इज नॉट अवेलेबल, नहीं है सर, हम तो मूवी देखने जाते हैं, 7D का जाते हैं, नहीं, बट मैथमेटिकली अपने पास 3D तक अवेलेबिलिटी है, 4D कुछ ऐसा कुछ आया ही नहीं है। 3D वेयर यू कैन यूज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सर 4D पे रिसर्च चल रहा है, हाँ वो सारी बातें पता है, बट इस वीडियो में उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं बिकॉज टाइम को वो लोग लेके 4D जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वन सेकेंड आ जाते हैं। तो स्केलर इज 1D कॉन्सेप्ट एंड वेक्टर इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ओके, एक और इंपॉर्टेंट रूल कि स्केलर क्वांटिटी में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को दूसरे
अनदर स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते, बट वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, यू कैन नॉट डिवाइड वन वेक्टर क्वांटिटी विथ अदर वेक्टर क्वांटिटी, यू कैन नॉट। ये आप खास याद रखिएगा, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं तो x बार डिवाइड बाय y बार लिखते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। वेक्टर कैन नॉट डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर। ओके, सो इन स्केलर क्वांटिटी कंपैरिजन इज वेरी इजी। कंपैरिजन अगर करना चाहे कि 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, सो यू कैन इजीली कंपेयर। बट इन वेक्टर क्वांटिटी कंपैरिजन इज लिटल बिट कॉम्प्लेक्स। ओके, लेट्स इन स्केलर क्वांटिटी ऑल द ऑपरेशन ऑफ एलजीब्रा फॉलोड। एलजीब्रा के कौन से ऑपरेशन है, प्लस माइनस। सिमिलर वे वेक्टर क्वांटिटी में भी ये सारे ऑपरेशन फॉलो होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर स्केलर क्वांटिटी में आपको चेंज करना है, चेंज यू वांट टू चेंज योर स्केलर क्वांटिटी, ओनली यू हैव टू चेंज मैग्नीट्यूड चेंज करिए, ऑटोमेटिकली स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, केजी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए, ठीक है। वेक्टर में क्या होता है, यू कैन चेंज द वेक्टर क्वांटिटी बाय डायरेक्शन और बाय मैग्नीट्यूड, और चेंज लाना है तो आप बोथ का भी यूज कर सकते हैं। सो टू चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी यू कैन यूज ओनली डायरेक्शन, यू कैन यूज ओनली मैग्नीट्यूड, यू कैन यूज बोथ टू चेंज। ओके, चलिए तो अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को रिवील करते हैं कि नंबर टू इज स्केलर और नॉट। तो आंसर इज नंबर टू इज अ यस, स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर, ये आपका आंसर है। बट ये कैसे आया सर, थोड़ा विजुअलाइज करवाइए। तो देखिए, जैसे मैंने बताया स्केलर इज वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सारे वन डायमेंशनल जो भी क्वांटिटीज होगी वो किस कैटेगरी में आएगी, स्केलर। एक तो ये रीजन है, फर्स्ट रीजन इज दिस, जो भी वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ही डायमेंशन का यूज किया हो, एक ही यूनिट का यूज किया हो, वो सारे कैटेगरी स्केलर के अंदर आएंगे। सर आपने जो ग्राफ बनाया था उसको एक्सप्लेन करिए। सो लेट्स मेक नंबर लाइन जिसमें मैंने 1, 2, 3 ऐसा लिखा था और बोला था अगर टू को देखा जाए तो जीरो के राइट हैंड साइड है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने ऐसी डिस्कशन की थी कि डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है तो स्केलर क्यों नहीं। सो सी, जब भी आप डायरेक्शन की बात कर रहे हो तब आप क्या करते हो, इसको अपने पेज के 2D में कन्वर्ट कर रहे हो, आप अपने पेज के 2D में कन्वर्ट कर रहे हो। सर समझ में नहीं आया, वापस समझाता हूं। अगर इस पेज को मैं रोटेट कर दूं, रोटेट करने का इन द सेंस मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर मैं नंबर लाइन ऐसा बनाता हूं, यही नंबर लाइन है बट मैंने कैसा किया है उसको थोड़ा रोटेट कर दिया है, तो सर क्या होगा, तो यहां पे राइट हैंड साइड जो था यहां पे अप हैंड साइड हो गया। सो हाउ कैन यू से दिस टू हैज डायरेक्शन, ना सर टू हैज नो डायरेक्शन, टू का कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि 1D कॉन्सेप्ट में आप डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पाओगे कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। जब भी डायरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 2D में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप डिफाइन कर सकते हो कि इस डायरेक्शन में गया, ये वाला पोर्शन जीरो है, ये वाला पोर्शन जीरो है, यहां से वो यहां मूव कर रहा है। ओके, गॉट इट। सो नंबर टू इज आर स्केलर क्वांटिटी, मतलब आप ऐसा समझिए स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, वापस एक बार समझाने की ट्राई करता हूं। सो नंबर विथ यूनिट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। समझ में नहीं आया, तो टू इज अ नंबर, यूनिट इज केजी, टू इज अ नंबर, यूनिट इज केजी, टू इज अ नंबर, किलोमीटर इज यूनिट। सो जब भी आप ऐसा देखें 2 किलोमीटर 2 kg आप डायरेक्टली बोल दीजिएगा यस सर इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, समझ में आया। सिर्फ अगर आपको 2 देखे
तो भाई राम राम, वी डोंट नो सर, यहां पे हमें पता नहीं। जब भी नंबर लाइन ये पता नहीं है, जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो तो क्या बाय डिफॉल्ट क्या करते हो, डिस्टेंस लेते हो कि वन यूनिट का डिस्टेंस है, टू यूनिट का डिस्टेंस है, तो वहां पे आप लिखते हो 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर, और उसके बाद आप बोलते हो यस इट इज स्केलर क्वांटिटी। यहां पे मत मेंशन करिएगा कि दिस इज अ नंबर, इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये स्केलर है या वेक्टर। स्केलर वेक्टर यू कैन नॉट से, बिकॉज स्केलर का मैंने क्या बोला, नंबर विथ यूनिट, नंबर विथ यूनिट होना ही चाहिए। नंबर लाइन को क्या बोला कि इसको रोटेट करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बट वैल्यू तो वहीं का वहीं रहेगा। नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल भी ड्रॉ कर सकते हो, वर्टिकल भी ड्रॉ सकते हो, और फिर ऐसा बोलो कि 2 0 के राइट हैंड साइड है, तो यहां तो 2 0 के अप हैंड साइड है, तो डायरेक्शन मेजर होगी ही नहीं 1D में। डायरेक्शन मेजर करना पड़ेगा तो आपको 2D लेना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप क्या समझोगे, दो चीज याद रखोगे, नंबर विथ यूनिट एंड 1D कॉन्सेप्ट। जहां पे भी एक ही डायमेंशन यूज किया हो, जहां एक ही डायमेंशन यूज किया हो, वो सारे कैसे हो जाएंगे, स्केलर। सो नाउ आई होप सो आपको स्केलर और वेक्टर दोनों में पता चल गया होगा डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कि आपका लॉजिक कितना क्लियर हुआ है। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, टेल मी फ्रॉम द फॉलोइंग इज वेक्टर और स्केलर। पहला ले लेते हैं नंबर, कोई भी ले, 30 30। दूसरा लेते हैं डिग्री 30 30 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक ट्राई करिए सॉल्व करने की। थर्ड कोऑर्डिनेट ले लेते हैं 2 2। सो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखिए कि फ्रॉम फॉलोइंग 3 विच आर वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री का भी हम डिस्कशन करेंगे और कौन सा करेक्ट आंसर है वो भी बताएंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। Have a nice day.